Hello student, today you are going to learn the next part, that is the reactions of benzene. इसमें हम different types of reactions देखेंगे benzene के ऊपर क्या होता है. जैसे दो main type है, addition reaction और second is substitution reaction. तो हमें नाम से पता चल जाता है, in addition reaction we are going to learn three reactions. और addition में क्या होता है, ये दो compound यहाँ पे add हो रहे हैं, एक compound बेंजीन के साथ ऐड होगा और एक एडिशन प्रोडक्ट होगा. यहाँ पे कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ओके, यहाँ पे एडिशन में एक एडिशन कॉम्प्लेक्स है और फिर डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे भी एक एडिशन कॉम्प्लेक्स है. तो हम तीन रिएक्शंस देखेंगे और बाद में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ क्लोरिन. बेंजीन के साथ अगर क्लोरिन की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो क्या होता है, ये जो सिक्स कॉर्नर है जहाँ पे ऑलरेडी सिक्स हाइड्रोजन है, ये सिक्स क्लोरीन आइटम वहां जाएगी. तो हर कॉर्नर पे सिक्स हाइड्रोजन और सिक्स क्लोरीन हो जाएंगे. तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6Cl6. तो इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, BHC पाउडर हम कहते हैं, और इंसेक्टिसाइड के लिए वो यूज करते हैं. देन सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे भी वैसे सिक्स कॉर्नर के लिए सिक्स हाइड्रोजन आइटम इस तरह ले जाएंगे, थ्राइस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड एट दिस टेम्परेचर कंडीशन रिएक्शन होगी. ये जिस सिक्स हाइड्रोजन है सिक्स कॉर्नर पर जाएंगे और इस तरह ये स्ट्रक्चर बनेगा. अब यहाँ पे हमने जब रिंग ने लिखी है, इसका मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है, हर कॉर्नर पे सिक्स हाइड्रोजन और फिर और सिक्स हाइड्रोजन, यानी ये जो सिक्स हाइड्रोजन है पहले के छह और ये बाद के छह, यानी यहाँ पे दिख रहे हैं. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H3. तो जब हम भूल जाते हैं रिंग लिखना, यानी हम क्या लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं, इसलिए ठीक से रिंग लिखना चाहिए जब बेंजीन लिखना होता है. तो बेंजीन और ये साइक्लोहेक्सेन. देन थर्ड, एडिशन ऑफ ओजोन. अब बेंजीन के साथ अगर ओजोन की रिएक्शन होती है तो ऐसा एडिशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये एडिशन कॉम्प्लेक्स को जब हम जिंक और वॉटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्लाइब्सन और इथेन डायल मिलता है, और यहाँ पर ऑक्साइड सेपरेट होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है. बट दिस इज द एडिशन रिएक्शन. इन दिस मैनर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस वी कंप्लीटेड अंडर द एडिशन रिएक्शन. और इसके बाद हम देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि हाइड्रोजन एटम के जगह दूसरा कोई एटम आता है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन निकल के वहां पे जाएगा Cl, और ये यहाँ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन और ये Cl मिलके बनेगा HCl. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा साइड प्रोडक्ट रहता है और एडिशन में नहीं रहता है. तो एडिशन में क्या होता है, सब एड हो जाते हैं. तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आयरन इन डार्क होगी, क्लोरोबेंजीन मिलेगा. सेम रिएक्शन ब्रोमिनेशन कहलाएगी, जब ब्रोमीन रिएक्ट होगा, सेम रिएक्शन है, इन प्लेस ऑफ सीएल बीआर आएगा, तो वो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन. और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, फास्ट रिएक्शन होती है. और अगर हम एक्सेस ऑफ Cl2 लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है कंट्रोल्ड है, और यहाँ पे अगर एक्सेस लेते तो ये सिक्स Cl आइटम यहाँ सिक्स कॉर्नर पर जाएंगे, और जो निकल के छह हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे वो सिक्स हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके सिक्स HCl साइड प्रोडक्ट बनेगा. तो ये हो जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन. इन दिस मैनर सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिस्कस हियर, एंड द रिमेनिंग विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.